हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जस्ट फोकस। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को पढ़ाया मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, और मैंने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट टॉपिक लेके आऊँगी, तो आज मैं आप लोगों को रोल ऑफ अकाउंटिंग, बुक कीपिंग क्या है और डिफरेंसेस बिटवीन अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। रोल ऑफ अकाउंटिंग, फर्स्ट पॉइंट है इट हेल्प्स एन ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इट्स गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। सेकेंड पॉइंट कंपेरेटिव स्टडी। थर्ड पॉइंट इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू एंड यूजर्स। फोर्थ पॉइंट कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, इफेक्टिव मैनेजमेंट एंड हेल्पफुल इन रेजिंग लोन। तो देखिए, रोल ऑफ अकाउंटिंग पढ़ने से पहले आपको ये समझना होगा कि रोल ऑफ अकाउंटिंग का मतलब क्या है। जैसे आप एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि अगर कोई आपसे पूछे कि पापा मम्मी आपके लाइफ में क्या रोल प्ले करते हैं, तो आप क्या कहेंगे कि जैसे आप अभी जो कुछ भी है कहेंगे ये मम्मी पापा के बदौलत है हम, या आपने आज जो भी कुछ अचीव किया है, जैसे आप अपने लाइफ में कुछ बन गए, सिंगर बन गए, टीचर बन गए हैं, लॉयर बन गए हैं, डांसर और एक्सेट्रा, तो आप बोलोगे कि इसके पीछे मेरे मम्मी पापा का बहुत बड़ा योगदान है या हाथ है कह सकते हैं। तो रोल का मतलब क्या हो गया कि आपकी लाइफ में वो चीज़ क्या वैल्यू या उससे आपको क्या फ़ायदा हुआ, ये सब तो रोल का मतलब ये हो गया। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रोल ऑफ अकाउंटिंग। तो पहला पॉइंट समझिए, देखिए क्या कह रहा है, इट हेल्प्स एन ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इट्स गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। इसका मतलब क्या हो गया, जो हम लोग अकाउंटिंग करते हैं, जो बिजनेस में अकाउंटिंग होता है अकाउंटेंट के द्वारा, वो एक सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग किया हुआ रहता है। जैसा मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि पहले हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं ट्रांजेक्शन्स को, फिर उसके बाद हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं, फिर लेजर बनाते हैं, फिर ट्रायल बैलेंस, फिर ट्रेडिंग अकाउंट, फिर पीएल अकाउंट, फिर बैलेंस शीट, और एंड में हम लोग उसके एनालिसिस करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं ताकि हम इसको कम्युनिकेट कर सके टू द एंड यूजर ऑफ अकाउंटिंग। ओके, तो देखिए अब इसके फायदे क्या हो गए, इट हेल्प्स एन ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इट्स गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। अगर किसी बिजनेस में अकाउंटिंग नहीं बनाया जाए तो क्या होगा, हमें पता ही नहीं चलेगा कि पिछले साल हमारे कितने प्रॉफिट्स हुई, कितने लॉस हुई, या हमारा बिजनेस कैसा चल रहा है, डाउनफॉल या प्रोग्रेस, ये सब कुछ नहीं पता चल पाएगा। लेकिन अगर हम पीरियड टू पीरियड, जैसे हमारा पीरियड है वन ईयर हम लोग बनाते हैं, तो अगर हम बनाते जाएंगे तो हम लोग इससे ये देख सकते हैं कि हमारे पिछले साल कैसा बिजनेस का प्रोग्रेस था या डाउनफॉल, इस साल कैसा है, तो हम लोग ये सब चीज़ कर सकते हैं। हमारा जो ऑब्जेक्टिव्स है, जैसे बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होता है टू अर्न प्रॉफिट, तो अगर ये सब सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड किया हुआ रहेगा सारा ट्रांजेक्शन्स ये सब, तो वो ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करता है गोल अचीव करने में, ऑब्जेक्टिव अचीव करने में। अब देखिए अब सेकेंड पॉइंट्स क्या है, कंपेरेटिव स्टडी। अगर हर साल की हमारे पास बिजनेस की अकाउंटिंग होगी, जैसे 2019, 2020, 2021 या 2022, अगर हर साल की रही, तो आप क्या ये कह सकते हैं देख के कि इस ईयर में इतनी प्रॉफिट्स हुई थी या इतने लॉसेस, इस ईयर में मेरे इतने एसेट्स थी, लाइबिलिटीज थी। अब नेक्स्ट ईयर में आप देखिए वही चीज़ देखिएगा, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ ऐसे करके, तो क्या आप ये कह सकते हैं कि इस साल मुझे इतना फ़ायदा हुआ था या इतना नुकसान हुआ था। तो इस करके आप ये बता सकते हैं कि कंपेरेटिव स्टडी कर सकते हैं अकाउंटिंग के बेसिस पे। अगर अकाउंटिंग नहीं रहता तो आप लोग को बहुत प्रॉब्लम होती है कंपेरेटिव स्टडी करने में। तो ये क्या रोल प्ले करता है कि हम लोग को कंपेरेटिव स्टडी करने में हेल्पफुल होता है। ओके, आप इस एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं कि जैसे आपके जो रिजल्ट्स आते हैं एग्ज़ाम में, अगर हर साल एग्ज़ाम नहीं लिया जाए तो क्या होगा, पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा बच्चे का परफॉर्मेंस, मतलब वो अभी कैसा है पढ़ने में या उसकी पढ़ाई कैसे चल रही है ये सब।
तो वैसे ही अकाउंटिंग भी रोल प्ले करता है. ओके, देन थर्ड पॉइंट है, इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू द एंड यूजर. मैंने कहा था पिछले वीडियो में भी कि अकाउंटिंग के बहुत सारे यूजर्स होते हैं, इंटरनल यूजर्स एंड एक्सटर्नल यूजर्स. इंटरनल यूजर्स में जैसे एम्प्लॉयज हो गए, ऑनर्स खुद हो गए, और एक्सटर्नल यूजर्स में कंपटीटर्स, गवर्नमेंट, इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स एटसेट्रा. तो वो सब ये बिजनेस से जो रिलेटेड होते हैं या बिजनेस, किसी बिजनेस के बारे में जानना चाहते हैं, तो क्या वो जैसे क्रेडिटर है तो क्या आपको वो लाइबिलिटी या कुछ पैसा जो देगा वो बिना जाने दे देगा? क्या पता उसने दे दिया, फिर आपके पास उतने पैसे नहीं हो चुकाने को, तो वो तो उसका पैसा डूब जाएगा. तो इसके क्या होता है, वो देने से पहले या जैसे कोई कॉम्पिटिटर्स है वो सब एक दूसरे बिजनेस का वो सब कंपटीटिव स्टडी करते रहता है. तो ये कैसे करेगा अकाउंटिंग जब होगा? तो एंड यूजर, तो ये क्या करता है, प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू एंड यूजर्स. तो वो कोई भी एक बिजनेस का अकाउंटिंग देखकर उसके लिए फायदा हो सकता है, जो भी इसके यूजर्स है उसको जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो इससे निकाल कर उसके लिए हेल्पफुल या बेनिफिट साबित हो सकता है. अब देखिए फोर्थ में, कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग. रोल ऑफ अकाउंटिंग क्या रोल प्ले करता है? देखिए, अगर एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं सेट किया जाता या एक सिस्टमेटिक या एक सिस्टम नहीं रहता, तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे भी बन रिकॉर्ड कर लेते हैं. जैसे दुकानदार का एग्जांपल मैंने दिया था, वो उस वे में रिकॉर्ड करता है जिस वे में उसको समझ आ जाती है. लेकिन अगर अकाउंटिंग की बात आ जाए तो यहाँ पे सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग होती है. जो पहले होनी है वही, जैसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं ट्रांजेक्शन्स, उसके बाद लास्ट में बैलेंस शीट, तो ऐसी होती है. तो रोल अकाउंटिंग का क्या हो गया कि वो हम लोग को कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड करने में हेल्प करता है. अब देखिए इफेक्टिव मैनेजमेंट. मैनेजमेंट आपने क्लास 11 या 12 में होगी, मैनेजमेंट आपने पढ़ा था, आर्ट्स ऑफ गेटिंग थिंग्स डन. मैनेजमेंट क्या हो गया, इफेक्टिव मैनेजमेंट. जैसा देखिए, अगर अकाउंटिंग नहीं किसी बिजनेस में की हुई हो अकाउंटेंट द्वारा, तो मैनेजमेंट जो होता है, जिसका जो मन चाहेगा पता नहीं चल पाएगा, ये करना है हमें या वो करना है. अगर एक कोई लिखा हुआ चीज़ हो बिजनेस में, ये अभी हो चुका है, ये हो चुका है, बिजनेस की क्या कंडीशन है, तो वो देख के हम लोग फिर मैनेजमेंट करते हैं. तो इसलिए अकाउंटिंग हेल्प होता है, तो इसलिए लिखा है इफेक्टिव मैनेजमेंट. अब हेल्पफुल इन रेजिंग लोन, तो इसका क्या मतलब हो गया कि जैसे कोई बिजनेस है, कभी उसको लोन की ज़रूरत पड़ जाती है, अगर उसको चाहिए तो कोई जिस क्रेडिटर होगा तो वो ऐसे पैसा नहीं दे देगा. उसको जानना होगा कि आखिर इसके पास उतने एसेट्स है जो ये बाद में मेरे पैसे को चुका सके. तो वो सब इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखेगा क्रेडिटर्स, देखने के बाद ये क्या करेगा, उसको लायबिलिटी या लोन दे देगा. तो इसलिए यहाँ लिखा है हेल्पफुल इन रेजिंग लोन. ओके गाइज, तो आप लोग को रोल ऑफ अकाउंटिंग आई होप समझ आ गई हो. अगर नहीं आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. ओके, अब देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक, बुक कीपिंग. बुक कीपिंग इज कंसर्न विद आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस, मेजरिंग देम इन टर्म्स ऑफ मनी, रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री एंड क्लासिफाइंग देम इन डिफरेंट अकाउंट्स. तो जैसा कि मैंने अभी डेफिनेशन पढ़ा कि बुक कीपिंग क्या है, ये कंसर्न होता है विद द आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन. बुक कीपिंग का पहला स्टेप क्या हो गया कि वो आइडेंटिफाई करेगा कि बिजनेस ट्रांजेक्शन्स कौन सा है. बिजनेस ट्रांजेक्शन्स में आगे जो भी सारे मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स है वो सब रिकॉर्ड किए जाएंगे. उसके बाद रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री. ओरिजिनल एंट्री जैसे हम लोग जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक बनाते हैं, सब्सिडरी बुक्स, वो हो गया, जो बच गया उसको जर्नल प्रॉपर में लिखते हैं. तो वही यहाँ पे कह रहा है रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री. अब उसके बाद एंड क्लासिफाइंग देम इन डिफरेंट अकाउंट्स. तो उसके बाद हम लोग लेजर के थ्रू डिफरेंट अकाउंट्स बनाते हैं. तो बुक कीपिंग की प्रोसेस यहीं तक होती है, उसके बाद समराइज कर देते हैं. तो अब हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंसेस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग. Differences between bookkeeping and accounting.
तो जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था अकाउंटिंग की डिफिनेशन क्या होती है, तो अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजेक्शंस इवेंट्स विच आर इन एटलीस्ट पार्ट ऑफ ए फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड देयरफॉर इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट। ओके, तो क्या हो गई, अकाउंटिंग में हम लोग शुरू से लेके आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन से लेके हम लोग बैलेंस शीट एंड लास्टली इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस तक करते हैं। लेकिन बुक कीपिंग में क्या है कि बुक कीपिंग में हम लोग शुरू में आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसको भी लिखते हैं, फिर लेजर डिफरेंट अकाउंट बनाते हैं। ओके, तो इसमें हम लोग बैलेंस शीट तक नहीं बनाते हैं। तो अब देखिए, अब डिफरेंसेस देखिए क्या क्या होते हैं कि फर्स्ट पॉइंट, इट इज़ अ प्रोसेस कंसर्न्ड विथ रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस। ओके, इट इज़ अ प्रोसेस कंसर्न्ड विथ समराइजिंग ऑफ द रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शंस। तो देखिए, बुक कीपिंग क्या हो गई, ये सिर्फ एक प्रोसेस है जो जिसमें हम लोग रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस करते हैं। इसका मेनली काम क्या हो गया कि ये आइडेंटिफाई करके ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करके डिफरेंट अकाउंट में क्लासिफाई करना। बुक कीपिंग में हम लोग इतना काम करते हैं, लेकिन अकाउंटिंग में हम लोग क्या करते हैं, जो भी हम लोग ने रिकॉर्ड किया डिफरेंट अकाउंट बनाया उसको हम लोग समराइज भी करते हैं। ओके, इसलिए यहाँ लिखा है इट इज़ अ प्रोसेस कंसर्न विथ समराइजिंग ऑफ द रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शंस। अब देखिए सेकेंड पॉइंट, इट कंस्टिट्यूट एज अ बेस फॉर अकाउंटिंग। देखिए यहाँ बुक कीपिंग में कहाँ तक बना, आइडेंटिफाई कर लिए, रिकॉर्ड कर लिए हम लोग, डिफरेंट अकाउंट बना लिए थ्रू लेजर। अब देखिए, अब उसके बाद का जो स्टेप होता है तो उसी के बाद से ना हम लोग स्टार्ट करते हैं। उसके बाद हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट, तो यहाँ तक बन चुका है, उसके बाद ट्रायल बैलेंस। तो इसीलिए कह रहा है कि इट कंस्टिट्यूट एज अ बेस फॉर अकाउंट, ये सब बन गया। अब अकाउंटिंग के लिए हम लोग इधर से लेके ये बेस हो गया अकाउंटिंग, फिर हम लोग बना सकते हैं। इट इज़ कंसिडर्ड एज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, अकाउंटिंग को हम लोग लैंग्वेज ऑफ बिजनेस कहते हैं। अब देखिए थर्ड पॉइंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन दिस प्रोसेस ऑन द बेसिस ऑफ बुक कीपिंग रिकॉर्ड्स। अब देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या हो गए, हम लोग लास्टली बैलेंस शीट तक बनाते हैं, तो जिसे हम लोग को पता चल जाता है एसेट लाइबिलिटीज ये सब। तो इसलिए कह रहा है कि इसमें बैलेंस शीट तक तो बनता नहीं है, तो इसलिए कह रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं आता है। लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंटिंग में आता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड इन दिस प्रोसेस ऑन द बेसिस ऑफ बुक कीपिंग रिकॉर्ड्स। ये जो प्रिपेयर किया जाता है इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ जो हम लोग रिकॉर्ड करते हैं बुक कीपिंग में, उसकी हेल्प से किया जाता है। अब फोर्थ पॉइंट, देयर इज़ नो सब फील्ड ऑफ बुक कीपिंग। बुक कीपिंग की कोई सब फील्ड नहीं होती है, लेकिन अकाउंटिंग की देखिए, देयर इज सेवरल सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की डिफरेंट सब फील्ड होती है, जैसे कॉस्ट मैनेजमेंट, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ओके, तो ये सब होती है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, तो ये सब हो गई। अब जैसे देखिए फिफ्थ पॉइंट, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस कांट बी असर्टेड थ्रू बुक कीपिंग रिकॉर्ड्स। फाइनेंशियल पोजीशन कहने का मतलब है कि बिजनेस से प्रॉफिट और लॉस ये पता चल जाए उससे नहीं हो सकता। उसको ये भी जानना है कि उसकी एसेट्स कितनी है, उसकी लायबिलिटीज़ कितनी है क्रेडिटर के पास। तो इसलिए फाइनेंशियल पोजीशन हम लोग बुक कीपिंग से पता नहीं कर सकते, क्योंकि वो हम लोग क्लासिफाई अकाउंट मतलब लेजर तक ही बनाते हैं, तो उससे पता नहीं चलता है। अकाउंटिंग में हम लोग शुरू से लेके बैलेंस शीट तक बनाते हैं। बैलेंस शीट में क्या होता है, एसेट्स लिखी होती है राइट साइड लेफ्ट साइड, लायबिलिटीज एंड कैपिटल, तो उससे हम लोग को पता चल सकता है। देखिए, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस इज असर्टेन ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग प्रोसेस के हेल्प से हम लोग फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस का जान सकते हैं, हमारे पास कितने एसेट हैं मीन्स बिजनेस के पास, हम लोग की लायबिलिटी कितनी है क्रेडिटर के पास, तो ये सब हम लोग जान सकते हैं। तो देखिए, हम लोग अभी 5 पॉइंट्स पर है बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के डिफरेंसेस में। देखिए और भी पॉइंट्स होते हैं, मैंने इतना बताया है बुक में, और पॉइंट्स होंगे आप देख लेना उसको, जो समझ में नहीं आए आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।
ओके गाइस, देन दिस इज इनफ फॉर टुडे. प्लीज लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस एंड वीडियोस, एंड प्लीज शेयर दिस वीडियोस टू ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स. ओके, थैंक यू.